दोस्तों, आज की इस वीडियो में ब्यूटी प्लस से जो है काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्यूटी प्लस का बाप है ये एप्लीकेशन। यदि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आपकी आएगी। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर हैं, आप फिल्टर लगा कर भी जो है अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप जानना चाहते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तक देखने के बाद इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक फ़ोटो क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि ब्यूटी प्लस से कितनी अच्छी एप्लीकेशन ये है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में जो घंटी का आइकन आए उसको भी दबाएँ, क्योंकि इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी हेल्प हो जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के करते हैं वीडियो स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप जुड़े रहें सबसे पहले हमारी अपडेट्स के साथ। दोस्तों यदि आप ब्यूटी प्लस को यूज करते थे तो आप जो है इंडिया में ब्यूटी प्लस बैन हो चुका है। ब्यूटी प्लस की जगह पर आप ब्यूटी कैमरा ब्यूटी सेल्फी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। ये वो एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसको आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन है, नीचे की साइड ऊपर है सेटिंग का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन है, कैमरा एज ए होम पेज, सेव ओरिजिनल फ़ोटो, सेव पेच, मतलब आपके जो है फ़ोटो किस फोल्डर में सेव होना चाहिए वो यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है फीडबैक का ऑप्शन है, शेयर का ऑप्शन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन का ऑप्शन है। हम चलते हैं बैक और यहाँ पर आप देखेंगे तीन ऑप्शन हैं, कैमरा है, एल्बम है, रिकेंट है। तो कैमरे से आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, तो मैं अपनी फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ से एक फ़ोटो क्लिक की है, आप देख सकते हैं ये इस तरह की फ़ोटो आई है, काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो इसको आप फ़िल्टर कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ फ़िल्टर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप इन फ़िल्टर को यूज़ कर पाएंगे और अपनी मर्ज़ी से जो है फ़ोटो को कम या बत्ती कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट हैं इसमें दोस्तों, काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी आपकी। यहाँ से कंट्रास्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, आप अच्छे से सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो आएगी। आप इसको यूज़ करना दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी ये एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, आप इसको यूज़ करना। उसके बाद फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर दो ऑप्शन है, नेक्स्ट का है, सेव का है। तो सेव के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी, और यहाँ से आप इस फ़ोटो को देख सकते हैं पहले कैसी थी अब कैसी हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने कलर चेंज किए हैं तब इस तरह की फ़ोटो हो गई है, वरना फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे इसमें फ़िल्टर हैं। ब्यूटी प्लस का ये बाप है ये एप्लीकेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कमेंट बॉक्स में नाइस वीडियो जरूर लिखना। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।